Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Yastatale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tatvaktaya Vachakalpudarubhasa Kripa Sindhu Parivacha Patitananda Pavanimho Vaisnave Namahabhanaya Krishna Prima Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tushi Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpate Gopi Sahagopika Kanta Sri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneswari Vrishabhayana Suti Devi Pranamami Hari Kri Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Kesavasacha Krishna Bhakti Prata Devi Sattavatai Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauru Bhakta Vrinda Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सदस्त्री श्री श्री माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सदस्त्री श्री श्री माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजथ प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। तत्कल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवत भक्ति केवल भक्तों के हृदय में है और भक्तों के हृदय भक्तों की कृपा से ही हमें भक्ति मिल सकती है। इसलिए ये भक्ति की इतने महिमा भक्तों की भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अन्य प्रजामि अहम नित्यं पुए एत अंतरेणु। मतलब है ये भक्तों की कृपा इतनी बड़ी है, भगवान कहते हैं मैं भी कभी कभी भक्तों को पीछे 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 चलता हूँ। बोले क्यों चलते हो? बोले भक्तों की चरण धूलि मिली है, मेरे को भक्तों की चरण धूलि मिली है। बोले क्यों आप भक्तों का चरण धूलि क्यों चाहते हो? भले मैं भक्तों से लेते 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 मेरे ऋणी बन गया। जैसे कोई व्यक्ति से आप कोई लो ऋणी बन जाओगे नहीं। अगर भगवान कहते भक्त तो मेरी सेवा करते हैं, दिन भर सेवा करते हैं, अगर मैं कुछ भक्तों को देना चाहता भैया ये चीज लेना प्रभु। भले हमें कोई ना धनम न जनम न सुंदर कविता व जगदीश कामये मम जन्म निजन्मनीश्वरी भवता भक्ति अहितुं करे। अगर आप कुछ देना चाहते हो हमें धन जन पुत्र परिवार, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, जन्म जन्मांतर तुम्हारे चरण में हमें भक्ति अहितु की हमें भक्ति मिले और तुम्हारी सेवा मिल जाए। बोले एक तो ले लेकर के ऋणी बन ही गया, अगर कुछ देना चाहता हो फिर बोलेंगे तुम्हारी सेवा, मैं इनसे ले लेकर के ना मैं ऋणी हो गया। अब ये ऋणी से उऋणी होना चाहता हूँ। बोले कैसे उऋणी होऊंगा? बोले अगर मैं भक्तों का चरण तुल्य मुझे मिल जाए ना फिर उऋणी बन सकता हूँ। लेकिन कोई भक्त तो मैं अपना चरण तुल्य देगा नहीं। अगर भगवान किसी भक्तों की चरण तुल्य लेना चाहे भक्त थोड़ी देगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं उनको पीछे पीछे छुप छुप करके इनके पीछे 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 में चलता रहता हूँ। बोले क्यों? बोले जब चलेंगे तो चरण तुल्य उड़ेगा, जब चरण तुल्य उड़ेगा मेरे सर पर पड़ेगा, मेरे सर पर पड़ेगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते मेरा भी मेरे को भी भक्ति मिलेगी। इसलिए
भक्तों की इतने महिमा, केवल भक्ति, भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलेगी। तब यहाँ पर श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं जो भक्ति है ना, ये स्वतंत्रता है, ये भक्ति स्वतंत्रता स्वतंत्र है, हैं? जैसे ज्ञान है, कर्म है, योग है, लेकिन ये जब तक भक्ति को साथ में नहीं जुड़ेंगे ना, इनके भी कल्याण नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई काम भी करो, अरे भक्ति को साथ में करो ना, बोलते हैं ना, कोई पढ़ाई करो, अरे भक्ति को साथ में मन लगा करते करो, कोई भी काम भक्ति को साथ में तो करो, योग भी करो, कर्म भी करो, ज्ञान भी करो, भैया बगैर भक्ति के ये भी पूरा फल नहीं दे सकते हैं। ये सब के सब भक्ति की आश्रय लेने वाले हैं। कोई भी काम करो, अगर भक्ति से नहीं करोगे तब तक वो कर्म का फल नहीं देगी। तो ये भक्ति है ना, ये किसी की सहायता, किसी की मदद नहीं लेता है, ये सर्वतंत्र स्वतंत्र, भगवान जैसे स्वतंत्र है, ये भक्ति भी स्वतंत्र है। इसलिए भागवत में ये देवता लोग कहते हैं श्रेय केवल बोध लब्ध है तेसाम एव क्लेश अवशिष्यते यथा स्थूल तुषा मघातिना। ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु ये जो भक्ति मार्ग है ना, ये अत्यंत अत्यंत सरल मार्ग है, बहुत सरल मार्ग भक्ति है, इससे सरल मार्ग कुछ है नहीं। जो व्यक्ति ये भक्ति मार्ग को छोड़ करके ज्ञान कर्म योग मार्ग में ये लोग जाते हैं, बहुत परिश्रम करके, अगर बहुत उच्च पद को अगर प्राप्त कर भी लिया, लेकिन अगर भगवान की चरण कमल को भक्ति को अनादर करने का नाते उनको वहाँ से पतन हो जाता है, ज्ञान कर्म योग का पतन हो जाता है, लेकिन भक्तों का कभी पतन नहीं होता। भक्त लोग तो निर्भय होकर के, हाँ निर्भय होकर के जो बाधा देने वाले उनके सर के ऊपर पैर रख करके सबके सब चलते भक्त हैं। ये भक्त सबको सर पर प्यार रख करके ये भक्त लोग चलते हैं, इनकी किसी चीज की कोई डर भय नहीं, इन्हें कुछ किसी चीज की कोई डर भय नहीं। इसलिए जो भक्ति मार्ग है अत्यंत अत्यंत सरल मार्ग श्री भक्ति मार्ग, इसमें कोई कपटता छल प्रपंच इसमें किसी चीज की कुछ नहीं, इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्र श्री भक्ति है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यं वक्षे सम्मानुज। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तो सब चीज को छोड़, ज्ञान कर्म योग भोग सब को तो छोड़ दे, छोड़ करके तो केवल मेरे शरण में आ जा। हैं बोले भैया ये सब चीज को छोड़ देंगे, आपके सारे धर्म कर्म सब छोड़ दो पर हमें पाप तो नहीं लगेगा। कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। इसलिए माँ सोचो कोई चिंता डर की कोई भय नहीं, केवल तू मेरे शरण में आ जा, बस केवल तू मेरे शरण में भक्ति में आ जा। हैं भक्ति में आ जाओगे ना, बस सबको तुम माफ कर देंगे, सारे चीज को माफ कर देंगे। इसलिए आप कभी नहीं सुने होंगे किसी भक्तों का कहीं पतन हुआ है। भगवान कहते हैं जेन बालक राखे महतारी, भगवान कहते हैं जैसे एक माँ हर समय अपना बालक को रखा करती है, राखे महतारी। इसलिए उदाहरण दिया महतारी शब्द सुने हो, महतर होता है ना जो रास्ता को साफ सुथरा करता है, हैं? महतर होता है ना जो रास्ता साफ सुथरा करता है, नाली साफ करता है, टाटी साफ करता है, महतर है। इसलिए उदाहरण दिया भगवान कहते ही जैसे देखना कोई अगर बच्चा तुम्हारी टाटी पेशाब कर दिया, टाटी पेशाब कर दिया, अगर पिताजी गोद में बैठे हुआ टाटी पेशाब कर दिया, अरे पिताजी किसको दे देते हैं, उसको माँ को दे देते हैं, गले साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। इसलिए माँ ही बच्चे का टाटी पेशाब को बाहर ही साफ करती है। भगवान यहाँ पर कहते हैं जिन बालक राखर महतारी, इसलिए उदाहरण दिया जैसे बालक को अगर टाटी पेशाब करे तो मैया जैसे साफ सुथरा कर देती है,
भगवान कहते उसी तरह अगर मेरे भक्त हैं, मैं अपना भक्तों को हर समय रखा करता, हर समय रखा करता। गुरुदेव एक सुंदर कथा सुनाया करते, बोले एक समय श्री दक्षिण देश में हैं, दक्षिण देश में एक साधु था, बड़े सुंदर रघुनाथ जी की बड़े सुंदर फूल की बगीचा, तुलसी की बगीचा थी, बड़ी सुंदर तुलसी बगीचा। वो साधु उसमें सेवा करता था, पानी देता था, वहाँ से तुलसी फूल ला करके क्या रोज रंगनाथ जी की सेवा करता था। एक समय दो बहन थी, दोनों बहनी वेश्या थी, और बड़ी बहन जितने सुंदर थी उससे जो छोटी बहन उससे भी ज़्यादा सुंदर थी। एक समय वो दोनों बहन जब वो साधु सेवा कर रहा था, इतने में उस उधर से होते हुए जा रहे थे, दोनों जाते समय वो साधु का आविष्ट होकर के फूल चयन कर रहा था, तुलसी चयन कर रहा था, और भगवान का श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्रभु का नाम लेता सेवा करता है, बड़ा आविष्ट। इतने में जो बड़ी बहन थी वो छोटी बहन की कहती, देखो ये संतों का जीवन कितने पवित्र, देखो इधर उधर कहीं ध्यान नहीं, केवल ठाकुर का सेवा में ही जिनका ध्यान है, और कैसे देखो कैसे प्रभु का भक्ति में डूबा हुआ ठाकुर की सेवा कर रहा है। लेकिन छोटी बहन जो वैसे आती, बोले छोड़ो सब बात, वो तब तक साधु जब तक मेरे तरफ पे वो नहीं देखती, जब तक मेरे तरफ पे वो नहीं देखता तब तक साधु है, अगर एक बार मेरे तरफ पे देख लेना तो सारे साधु बाधु सब भूल जाएगी। जो बड़ी बहन थी बोल तू ऐसे बोल नहीं सकती हो, तू ऐसे बोल नहीं, तू नहीं जानते हो साधु का जीवन कितने पवित्र और कितने सुंदर होता है, ये साधु जीवन है, देखो कितने आविष्ट तक साथ में सेवा कर रहा है। अभी दोनों बहन में तो दावलत थी, वो छोटी बहन कहती है जो वैसे आ, बोले मैं अगर चाहूँ ना उसको मैं गिरा सकती हूँ, अपना प्रेम में फंसा सकती हूँ। बड़ी बहन कहती तू फंसा नहीं सकती हूँ। अभी दोनों में लग गया लड़ाई, लड़ाई लग गई तो छोटी बहन कहती है दिखा दो, बोले क्या दिखा, बोले देख लेना दो कुछ दिन बाद में देख लेना। वो जो छोटी बहन वैसिया थी ना, वो रिमझिम बारिश हो रही थी, एकदम एक पतला कपड़ा पहन करके जान बूझ करके और उसमें भीगते हुए, देखना अगर पतला कपड़ा वो भीग जाए शरीर में चिपक जाती है, वो जान बूझ करके ना उसी रास्ता में जाने लग गई। जब गई इतने वो जान बूझ करके उसको सामने जो बाबा सेवा कर रहा था गिर करके जोर जोर से रोना शुरू कर दी, कोई हो तो बचाओ मैं मर रहे हूँ, कोई तो बचाओ। वो साधु तो सेवा कर रहा था, बोले भैया किसी स्त्री की गले की आवाज आ रही है, बोले छोड़ो कोई स्त्री की गला की आवाज छोड़ो। इतने में वो इतनी जोर से जान बूझ करके नाटक कर रही थी, चिल्ला रही थी, इतने जोर से चिल्ला रही थी। अभी संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। अभी ने देखा भैया मर रहा है कैसी आवाज आ रही, आंख में देखा छटपट छटपट कर रही थी, ठंडा कमारे हैं रिमझिम बारिश हो रही थी, छटपट छटपट कर रही थी। उसने किया किया वे तो मर जाएगी, उन्होंने कंडा जलाया और कंडा जला करके उसको पास में बैठा कर उसको बोले तो इसको पास में बैठ करके गर्मी लो और अपना चली जा। लेकिन वो तो एकदम पतली कपड़े पहनी हुई थी, वो शरीर से चिपका हुआ पूरा, जैसे पूरा शरीर उसकी दिख रही थी। उसने जो एक बार शरीर को देख लिया उसका जो मन है ना विचलित हो गया, उसकी मन विचलित हो गया, इतने शांत मन उसका था। और वो क्या करती है जान बूझ करके उधर से जाती है, बोले बाबा राम राम हैं, बाबा राम राम करके उसका मन को अपना तरफ में घुमाने के लिए जान बूझ करके और कोई चीज बोले बाबा अगर उसी दिन आप नहीं होता है ना मैं तो प्राण ही चली जाता, मेरे प्राण ही चली जाती, आप उसी दिन मेरे को अपना प्राण दान दिया वे तो मर जाती। जान बूझ करके ऐसे ऐसे करती रहती है और कोई चीज उसको दे देती है। ऐसे करते 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 बाबा को फंसा दिया। देखो एक बार उसने देख लिया, इसलिए ये सब टीवी टीवी इंटरनेट क्यों क्यों नहीं देखनी चाहिए। अजामिल जैसे व्यक्ति एक बार बेसिया का रूप देखा तो एक बार देखा तो उसका मैं विचलित हो गया। जितने सदाचार संपन्न ब्राह्मण घर की कम उम्र के पत्नी जो उन्होंने त्याग दिया और बेसिया को साथ में रख लेंगे, इसलिए नियम है जैसे उल्टा पुल्टा जो चीज है ना इंटरनेट में गंदी गंदी चीजें नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो हमारे मन अपने आप धीरे धीरे गंदी चीज में धीरे धीरे हमारे मन चल जाएगी।
इसलिए अभी उसने तो फंसा दिया, फंसा करके अपना प्रेम ही पूरा की पूरा फंसा दिया। और वो जो पहले जो सेवा कर रहा था ना, ठाकुर जी रघुनाथ जी का जो सेवा कर रहा था, छूट गया उसकी सेवा। अभी पूजा करता है मंदिर में और वो क्या करता है, छुपा छुपा करके उसको पास में खाना प्रसाद भेज देते हैं। हाँ, छुपा छुपा कर प्रसाद भेज देता है। अभी श्री नारायण देखे, हे भगवान, ये पहले कैसे मेरे भजन कर रहा था, भक्ति कर रहा था, कितने मेरे चरण में डूबा हुआ था, अभी तो इस जो जो कुछ करता है उसका लक्ष्य रहता है, कैसे ठाकुर को प्रसाद को छुपा करके उसको घर में कैसे हम भेज दे, उसको घर में कैसे प्रसाद को भेज दे। अभी ठाकुर जी ने तो पूरा फंस गया, तब तो मेरी भक्ति उसको छूट गई, ऊपर सेवा करता है, मेरी भक्ति तो भी गई इसकी पूरा। ठाकुर जी अभी सोच रहे हैं इसका कल्याण कैसे करें, हे तो मेरे सेवक है ना, हे तो मेरे ही सेवक है ना, है इसलिए ठाकुर जी कितने दयालु हैं। ठाकुर जी ने किया क्या, उनकी जो सोने की प्लेट में ठाकुर जी को भोग लगता था, ठाकुर जी उस सोने की प्लेट को उठा करके लिया और ग्लास कटोरी को, और उन्हें जो जो बेस्या थी ना, वो बेस्या घर में ठाकुर रख दी। सबरे हला हो गया, ठाकुर जी की सोने की बर्तन चोरी हो गई, सियाड लगा दिया, देखो तो कहाँ गई वो सियाड, देखते देखते ना मिला बेस्या घर में, सारे सोने की बर्तन मिली। इतने में राजा सियाड लगा दिया, पर देखा इसकी घर में गई कैसे, इसको पास में कौन जाते है, देखा वो साधु जाता है, वो साधु ठाकुर को जो पूजा करता है ना यही जाता है। वो समझ गए इसने सारे ठाकुर का सोने के बर्तन लेकर के वैश्या घर रख दिया, और सीधा इसको जेल बंद, जेल में बंद कर दो, राजा जेल में बंद कर दिया। अभी वो जेल में बंद कर दिया तो अभी वो जेल में बैठी बैठी करके तो, हे भगवान, मैंने तो चोरी किया ही, कैसे पता नहीं मैंने तो चोरी नहीं किया, क्योंकि हम इसको पास में जाता हूँ इसलिए पुलिस आइडिया लगाया, यही लेकर रखा और बिना कारण से जेल में बंद हो गया। और पहले में कितने अभिष्ट था, उस हाथ में ठाकुर को भजन पूजा भक्ति करता था, और भी मेरा भजन साधन सब चौपट हो गया, सारे चौपट हो गई। अभी दिन रात बेस्या में चिंता करता हूँ, बेस्या की चिंता करता हूँ। इतने में इतने दुखी खूब रोए और ठाकुर जी को प्रार्थना किया, ठाकुर जी आप भी मेरे को बचा सकते हो इसलिए मेरे को रक्षा करो, मैं और कभी एक गलती काम करूँगा नहीं, मेरी अपराध हो गई। खूब रोए जब रो रो करके जितने गंदी चीजें वो उन्होंने हृदय से निकाल दी, फिर ठाकुर जी स्वप्न देते राजा को, बोले महाराज ये बर्तन उसने नहीं चुराया, ये बर्तन मैं ही नहीं चोरी किया था, क्योंकि ये एक वैश्या चक्कर में ये फंस गया था और मेरा सेवक था, भजन करता था, इसको निकालने के लिए मैंने ये काम किया है, ये मेरे सेवक है, अब इसको निकाल दो, उसको जेल से मुक्ति करा दो। भगवान स्वयं रघुनाथ राजा को स्वप्न दिया, फिर राजा गए उसके चरण में माफी मांगी, बोले मेरी गलती हो गई, आपने कुछ नहीं किया, आपको हमने जेल में बंद कर दिया, आप भजन करो, ठाकुर की सेवा करो। इसलिए यहाँ पर कहते जन बालक राखे मेहतारी, है जैसे एक माँ एक बालक जब मैया की गोद में सो जाता है ना, निश्चित होकर सोता, बोले क्यों हम कहाँ सो रहे हैं, माँ की गोद में सो रहा है, तो उसी तरह एक जो भक्त है जो भक्त है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को हर समय अपना हृदय में लगा कर रखते हैं। इसलिए दुर्वासा जैसे व्यक्ति शंकर जी का बता, उनको भी छक्का छुड़ा दिया सुदर्शन चक्र, जब उन्हें मारने के लिए चाह चक्र आया, पहले तो मारा राक्षस को, फिर पीछा किया दुर्वासा जी को, वो ब्रह्म लोक में गए ब्रह्मा नहीं बचाए, शिव लोक में गए शिव नहीं बचाए, वैकुंठ तक भी चला गया भगवान तक भी नहीं बचाए। भैया साधव हृदय मुह्यम साधु नाम हृदय तुम, संत मेरे हृदय है, मैं संतों के हृदय में रहता हूँ, प्यार में कांटा चुभ जाए तो सर पर नहीं वो प्यार में निकलेगा, जाओ दुर्वासा चरण में माफी, श्री अंबर श्री चरण में माफी मांगो, उन्होंने माफी मांगना पड़ा उनको। शंकर जैसे शंकर जी की प्रकाश ये श्री दुर्वासा जैसे व्यक्ति, मतलब भगवान जो भक्ति है ना, जो भक्ति के आश्रय ग्रहण करता है उसको स्वयं ठाकुर जी भक्ति स्वयं रक्षा करती है। इसलिए यहाँ पर बताए हैं भगवत भक्ति ही नस्य जाति शास्त्र जप तप अप्राण शैव देह संमंडनम लोक रंजनम,
जैसे है जैसे कि स्त्री लेकिन मरा हुआ स्त्री है, अगर उसका सारा शरीर को सोने चांदी से है गहना से उसको शरीर को श्रृंगार कर दो, अरे भैया मरा हुआ शरीर उसको उसको श्रृंगार करके क्या हुआ, तो मर गया, वो तो मर गई है ना। इसलिए कहते भगवत भक्ति नस्य, जिसके हृदय भगवत भक्ति नहीं जाती, शास्त्र जप तप उसका सब के सब जीरो बेकार है। लेकिन अगर आपका हृदय में कुछ भी नहीं लेकिन भगवान की चरण में केवल भक्ति ही आपके चरण में, केवल भक्ति ही आपके चरण में, बस सब कुछ आप पास में, सब कुछ पास में। इसलिए शास्त्र ने बताए हाँ उस श्लोक में बताते हैं कहते ना मधुरम मधुरम वेतत मंगलम मंगलानाम सकल निगम बलि सत्फल चित्त स्वरूपम सत्कृदपि परिगीतम श्रद्धाय हलेवा मृगवर्णन मात्र तारे कृष्ण नाम। अगर भगवत भक्ति है भगवान का जो नाम है भगवत जो नाम, अगर भगवत नाम को कोई आश्रय ग्रहण करता है कहते सुपाच अभी महिपाल विष्णु भक्ति जाते, अगर चंडाल भी हो अगर भगवत भक्ति को वो आश्रय करता है बोले अहोवत सपोच अत गरिया, चंडाल होने पर भी वो इतना श्रेष्ठ है जो भगवत नाम भगवत भक्ति को प्रण करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ वही है। लेकिन बहुत श्रेष्ठ होकर के अगर भक्ति को ग्रहण नहीं करते तुम्हारे जीवन जीरो है। इसलिए ज्यादा कोई कर, इसलिए भगवान कहते हैं यथा भक्ति मम अर्जिता, भक्ति जैसे मेरे को वशीभूत कर सकता है, भक्ति को तरह ज्ञान धर्म योग तपस्या मेरे को ऐसे वशीभूत कर ही नहीं सकता, केवल है केवल भक्ति भक्ति ही मेरे को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बोले सबसे ओचे प्रेम सदा सबसे ओचे प्रेम सदा दुर्योधन की साग भी दुर खाई सबसे ओचे प्रेम सदा सबसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण।